Myself, Advocate Aruna Gupta, Advocate on Record. We have filed the 6 petitions on behalf of all these organizations, Adivasi organizations of Telangana. And 2018 it was filed and notice has been issued. 6 parties has been made. Union of India is the main party. Rest, the state of Rajasthan, state of Karnataka, state of Maharashtra, state of Andhra Pradesh and state of Telangana. As per the present status, the service is complete on all the states and hopefully the matter will be heard for final hearing in 2020. The state of Telangana has filed the Vakalatnama, but counter affidavit has not been filed. We hope they will file the counter affidavit and matter will be listed for final hearing in 2020. Do you believe, madam? Yeah. We are fighting for this because both the amendments which has been done, there were little lacunas in these. The due procedure was not followed. So we are with that grounds only. We hope all the best. What is the grounds? We have already discussed, I hope, your detail. Okay, we are challenging the amendment which was made in 1976 as well as in 2002, whereby the Lambadis and Sugalis were included in the scheduled tribes without following due procedure, that is, the governor's recommendations were not taken and even the matter was not discussed before the parliament before taking the decision. So these were the few of the one of the basis and rest we have already mentioned. Thank you, sir. Tell me your name, sir. I am Syed Ahmed Nakvi. I am assisting my seniors in the case and we have filed in 2018 as ma'am already mentioned, and we are hoping for the justice, that justice will be served to our Adivasi brothers and sisters, and it will be I think it will be completed by 2020. Thank you. आप सबको मेरा नमस्कार। आज दिनांक 9 दिसंबर 2019 को आप सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। आप सबको यहां एक अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आप सबने यहां आकर यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारा आदिवासी संगठन तेलंगाना संगठन अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए एकजुट है और भविष्य में भी रहेगा। मैं आज आपको सुप्रीम कोर्ट में हमारे केस से संबंधित सारी सूचना देना चाहूंगी। सबसे पहले मैं अपने आदिवासी भाइयों और बहनों को ये बताना चाहूंगी कि किस तरह से आप और हमारे अथक मेहनत और आगे बढ़ने की सोच की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको ये जानकर अत्यंत खुशी होगी कि आदिवासी संगठन की तरफ से जून 2018 को 6 याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। माननीय एडवोकेट श्री रमेश जी अलंकी और हमारी साथी मरसुखा सरस्वती आयंदला ललिता एका अन्ना पीवी लक्ष्मी के सुगना कोंद्रू सुधर्मी पेंडू रामबाबाई थोड़ा सम राधाबाई भीमपाई के तकरीबन 1 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद हमने ये 6 याचिकाएं तैयार करी हैं। हमारे एडवोकेट श्री रमेश जी अलंकी ने गहन अध्ययन कर ये 6 याचिकाओं का केस तैयार किया। जून 2018 को ये 6 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिनका विवरण इस तरह से है। पहली दाखिल की गई याचिका का नेम है जस्टिस बी चंद्र कुमार। दूसरी याचिका है आदिवासी गिरिजाना एम्प्लॉयज वेलफेयर एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तीसरी याचिका हमने दायर करी है आधार सोसाइटी की तरफ से। चौथी याचिका दायर करी है गोंडवाना पंचायत राय सेंटर। पांचवी गोंडवाना वेलफेयर सोसाइटी और छठी मरसुखला सरस्वती आंदला ललिता एका सुगना कोंडरू सुंदरनी पेंडू रामबाबी थोड़ा सुन राडाबाई इन सब की तरफ से। इसमें हमने पार्टी बनाया है यूनियन ऑफ इंडिया को, यानी कि भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, तेलंगाना सरकार, कर्नाटका सरकार, महाराष्ट्र सरकार और राजस्थान सरकार। इन 6 पिटीशन को रमेश जी अलंकी ने अथक प्रयास के डिफेक्ट क्योर किए और उसके बाद ये नंबर हुई। हमारी पिटीशंस में हमने जो प्रेयर ली हैं वो इस तरीके से हैं। पहली प्रेयर हमारी कोर्ट के सामने ये रही है कि इश्यू अ रिट ऑफ सर्टिटोरिया कॉलिंग फॉर द रिकॉर्ड्स इन रिलेशन टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 1976। अर्थात जो अमेंडमेंट 1976 में हुआ है जिसके तहत लंबाडीज और सुगलीज को शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल किया गया है, रिकॉर्ड्स में भी कॉल्ड फॉर दैट। सेकेंड जो हमने रिट फाइल करी है उसमें प्रेयर ये ली है कि जो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2002 है जिसके अंदर बंजारा उसको इंक्लूड किया है शेड्यूल ट्राइब्स में, उसके अगेंस्ट इशू ऑफ रिट ऑफ सर्टिटोरिया। तीसरा हमने ये कहा है कि सुगालीज और लंबाडीज को जो शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल किया है दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मीन्स ये एक असंवैधानिक है, इलीगल है और ये हमारे संविधान में जो प्रोवाइड किया आर्टिकल 342 के बिल्कुल अगेंस्ट है। लास्ट में हमारी प्रेयर ये भी रही है कि जो 2002 में अमेंडमेंट किया गया जिसके तहत
बंजारा कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल किया है वो एकदम गलत है, असंवैधानिक है। आपको ये जानकर अत्यंत खुशी होगी कि ये सारी पिटीशंस रिट पिटीशन नंबर 737 ऑफ 2018, 738 ऑफ 2018, 739 ऑफ 2018 हमारे पूर्व माननीय न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की कोर्ट में जुलाई 2018 में लिस्ट हुई। हमारे तीन जजेस की बेंच में थे जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जिन्होंने दिनांक 13/7/2018 को हमारे केस की हियरिंग करी और हमारे आदिवासी की संगठन की तरफ से सीनियर एडवोकेट श्री विकास सिंह सर, श्री एम एन राव सर, श्री रमेश अलंकी अपियर हुए। हियरिंग के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने नोटिस इशू किया, परमिशन टू फाइल एसएलपी ग्रांट करी और इम्प्लीटमेंट एप्लीकेशंस अलाउ हुई, जिसका मीनिंग ये निकलता है कि हमारी सारी 6 याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हमें परमिशन दे दी। अब सारे स्टेट्स कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना स्टेट वो अपना रिप्लाई फाइल करेंगे, उसके बाद फाइनल हियरिंग विल बी टेकन प्लेस। अब आपको हम ये बताना चाहेंगे कि प्रेजेंट स्टेटस हमारे केस का क्या है। हमारे केस में नोटिस इशू हो चुका है, सारे स्टेट्स को सर्व हो चुका है, अभी तक तेलंगाना राज्य की तरफ से वकालतनामा फाइल हो चुका है और बाकी राज्यों से अपेक्षित है। 2020 में हम ये आशा कर रहे हैं कि हमारे केस की फाइनल हियरिंग हो जाएगी और हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को कोई ना कोई रिलीफ कोर्ट से ज़रूर दिलाएंगे। अब मैं बात करना चाहूँगी हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों से, जो कि उनके ज्वलन समस्याएं जिसकी वजह से आज आप और हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले आपको इस केस की थोड़ी डिटेल्स बताना चाहूँगी, जो मेरे आदिवासी नए हैं, युवा हैं, दे विल कम टू नो कि ये केस एग्जैक्टली है क्या। 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड हुआ था या जब हमारा संविधान बना था, उस संविधान के पहले लंबाड़ा और सुगलीज उस शेड्यूल ट्राइब्स में नहीं आते थे। 1950 के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल ट्राइब्स का ऑर्डर है उसमें खाली 9 जातियों को शामिल किया गया है। हमारी बंजारा, लंबाड़ा और सुगलीज जो सुप्री शेड्यूल ट्राइब्स में तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट्स में आने की वजह से बंजारा, लंबाड़ा और सुगलीज पड़ोसी राज्यों से पलायन कर तेलंगाना राज्य में आ रहे हैं, यही हमारा मेन रूट कॉज है, जहाँ पे कि दूसरे राज्यों से शेड्यूल ट्राइब का फ़ायदा उठाने के लिए हमारा तेलंगाना स्टेट में 4 राज्यों से सारे पलायन करके तकरीबन 11 लोग आ चुके हैं। हमारे स्कूलों और कॉलेज में प्रवेश के लिए, चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए और सबसे अधिक जमीन को खरीदने के लिए तेलंगाना स्टेट में ओरिजिनल ट्राइब्स को छोड़कर उनके अधिकारों का हनन करके सारे स्टेट से बाकी ये लोग लंबाडीज और ये सब पलायन करके तेलंगाना में शिफ्ट हो रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सेंसस के अनुसार 1971 में सुगाली और लंबाड़ा की पॉपुलेशन तेलंगाना स्टेट में खाली 132,464 थी, वही 1981 में बढ़कर 11,58,342 हो गई है, यानी कि 87.4% की भीषण वृद्धि हुई है, ये भी खाली 10 ईयर्स में। ये सब 1976 के अमेंडमेंट बिल की वजह से हुआ है। सब आदिवासी एक दिन माइनॉरिटी में हो जाएंगे। आज की डेट में 70% सरकारी नौकरी लंबाड़ा और सुगालीज ने हथिया ली है तेलंगाना स्टेट में। स्कूल और कॉलेज में एडमिशन्स में मैक्सिमम नंबर लंबाड़ा और सुगालीज का ही है। यह स्थिति किया गया, उसको कहा गया अमेंडिंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1956। इस संशोधन के तहत पहली बार सुगालीज और लंबाड़ा को शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल किया गया। नवंबर 1956 में, आपको शायद ये पता नहीं होगा कि पहले आंध्र स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था। आंध्र रीजन पहले मद्रास स्टेट का पार्ट था तथा हैदराबाद स्टेट था, दोनों मिलकर आंध्र प्रदेश राज्य बन गया था 1956 में। इससे पहले स्टेट ऑफ हैदराबाद एग्जिस्ट करता था और आंध्र रीजन आता था मद्रास स्टेट का एक पार्ट। अब दोनों मिलकर आंध्र प्रदेश बन गए थे, यानी आंध्र प्रदेश बनने से पहले हम लोग जो आंध्र रीजन में आया करते थे, इट फॉल्स अंडर मद्रास स्टेट। 1956 में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स मॉडिफिकेशन ऑर्डर आया, जिसके तहत शेड्यूल 3 पार्ट 1 में यह बताया गया कि सुगालीज एंड लंबाडीज अब शेड्यूल ट्राइब्स में आएंगे। सीरियल नंबर 19 में कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स अमेंडमेंट ऑर्डर 96 के तहत उसमें ये स्पष्ट लिखा था कि शेड्यूल ट्राइब्स में आएंगे, बट ये
हैदराबाद, महबूब नगर, आदिलाबाद, निजामाबाद, मेदा, कर्मी नगर, वारंगल, खामम एंड नेलोंगा डिस्ट्रिक्ट में लागू नहीं है। इसका मतलब यह निकला कि 1956 के ऑर्डर में, जिसमें कि लंबाड़ा और सुगलीस को शामिल किया गया, तब भी वो ऑर्डर इन 8 डिस्ट्रिक्ट में तेलंगाना में एप्लीकेबल नहीं था, उसमें शामिल नहीं था। इसको हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो शेड्यूल ट्राइब्स में इन लंबाड़ा और सुगलीस को शामिल किया गया, वो खाली आंध्रा एरिया, आंध्र प्रदेश तक ही सीमित थे, वो इन 8 राज्यों में पे एप्लीकेबल नहीं थे। तब तक सुगलीस और लंबाड़ा तेलंगाना एरिया में कभी भी शेड्यूल ट्राइब में नहीं आते थे। इसके पश्चात 1976 में एक लेजिस्लेशन पास हुआ, जिसमें एरिया रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। एरिया रेस्ट्रिक्शंस मीन्स स्थान, जो हमारा पहला रूल था कि उसके अंदर हम इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स में ये एप्लीकेबल नहीं है, उसे अमेंड करते हुए एरिया रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। अर्थात अब लंबाड़ीज और सुगालीज जो खाली आंध्रा रीजन में एसटी का बेनिफिट उठाते थे, अब वो तेलंगाना राज्य में भी एसटी में आने लगे। यहाँ ये बताना उचित होगा कि 1976 का बिल असंवैधानिक तरीके से पास हुआ था। असंवैधानिक तरीका मीन्स जो गवर्नर की रिकमेंडेशंस ली जानी चाहिए वो नहीं ली गई थी, पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, कहीं पे भी ये जिक्र नहीं आया था कि लंबाड़ा कम्युनिटी को एसटी में शामिल करना चाहिए या नहीं। और इसी तरह 2002-2003 में जो अमेंडमेंट लाया गया, उसमें भी कहीं पे ये डिस्कशन नहीं लिया गया कि बंजारा कम्युनिटी को शामिल करें या नहीं। अर्थात 1976 का अमेंडमेंट और 2002 का अमेंडमेंट दोनों को ड्यू प्रोसीजर के साथ नहीं फॉलो किया गया है। इसका मतलब कि वो दोनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, और यही दो ग्राउंड्स हैं जिसके बीच से हम सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएँ फाइल कर चुके हैं। 1976 से पहले सुगाड़ीज और लंबाड़ीज बैकवर्ड क्लास ग्रुप ए में शामिल किया गया था। आपको शायद याद होगा कि इन लोगों ने सुगाड़ीज और लंबाड़ीज में सुप्रीम कोर्ट तक आके केस फाइल किया, सिर्फ इसलिए कि उनको बैकवर्ड क्लासेस का स्टेटस मिले। उन्होंने अंतरिम कमीशन, जो कि राज्य सरकार ने अपॉइंट किया था, उन्होंने रिकमेंडेशन दी और 1970 से लेके 1976 तक उन्होंने ये स्टेटस इंजॉय किया। लंबाड़ीज और सुगाड़ीज बहुत खुश थे बैकवर्ड क्लास कैटेगरी ग्रुप ए में फॉल करके। उन्होंने 6 साल तक इसको एंजॉय किया, सुप्रीम कोर्ट तक आए और ये स्टेटस लेके चले गए। लेकिन हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से 1976 में इनको एसटी में भी शामिल किया गया। अंत में मैं आपसे यही अपेक्षा करती हूँ कि आप सब इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। हमारा केस 2020 में फाइनल हियरिंग में आएगा और हम आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सब अधिकारियों को दिला के रहेंगे। क्या आप सब हमारा साथ देंगे लंबाड़ी, सुगालीज और बंजारा को शेड्यूल ट्राइब्स में हटाने के लिए? थैंक यू सो मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज लिप्सिका। प्लीज सब्सक्राइब टू काकतिया टीवी। प्लीज सब्सक्राइब टू काकतिया टीवी। हाय, नेनु आरजे काजल। सब्सक्राइब टू काकतिया टीवी, चाला इंट्रेस्टिंग अपडेट्स एंड इंट्रेस्टिंग कंटेंट उंटुंदि काकतिया टीवी लो। सो डेफिनेट गा सब्सक्राइब चेसुकोंडि एंड किंद कनिपिस्तुन्न बेल ऐकान नि कूडा मीरु नोक्किते मीकु इंस्टेंट गा अपलोड चेसिन वेंटने नोटिफिकेशन कूडा वस्तुंदि। काबट्टि डू सब्सक्राइब।